कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता रहे जगदीश शेट्टार कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। कांग्रेस पार्टी के मुखिया मल्लिकार्जुन खड़गे ने शेट्टार को पार्टी में शामिल कराया। शेट्टार ने रविवार को ही कर्नाटक कांग्रेस चीफ डी के शिवकुमार, सीतारमैया और रणदीप सुरजेवाला से मुलाकात की थी। जाहिर है कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व सीएम ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। बता दें जगदीश शेट्टार ने रविवार को ही भाजपा से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद से ऐसी चर्चाएं थी कि शेट्टार कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लगता है कि कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी। उन्होंने चुनाव में 150 से ज्यादा सीट पर जीत सुनिश्चित करने की पार्टी नेताओं से अपील की, साथ ही पार्टी की कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को बीजेपी से सावधान रहने के लिए कहा। बेंगलुरु में राहुल ने नंदिनी ब्रांड की आइसक्रीम खरीदी और इस ब्रांड को कर्नाटक का गौरव बताया। उन्होंने कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के प्रमुख ब्रांड नंदिनी को सर्वश्रेष्ठ भी बताया। नंदिनी बनाम अमूल विवाद के बीच उनके इस बयान को अहम माना जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी बाबा सिद्दीकी और उनके बेटे जिशान सिद्दीकी ने रविवार को इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, जिसमें कई बॉलीवुड और टीवी जगत की हस्तियों ने शिरकत की। इफ्तार पार्टी में सलमान खान से लेकर सलीम खान, आयुष शर्मा, अर्पिता खान, पूजा हेगड़े, नरगिस फाकरी, साजिद खान, उर्मिला मातोंडकर, जावेद जाफरी, राघव जुयाल, सिद्धार्थ निगम, हुमा कुरैशी, इमरान हाशमी और डेविड धवन समेत कई बॉलीवुड हस्तियों ने शिरकत की। पार्टी में सलमान खान काफी डैशिंग लुक में पहुंचे। काले रंग के पठानी सूट में सलमान बेहद हैंडसम लग रहे थे। वहीं पूजा हेगड़े भी शिमरी साड़ी में इस इवेंट में पहुंची। इसके अलावा शहनाज गिल ने पार्टी में अपने भाई के साथ शिरकत की। बिग बॉस विनर एमसी स्टैन भी बाबा सिद्दीकी संग पोज देते नजर आए। बॉलीवुड ही नहीं टीवी जगत की भी कई हस्तियों ने इफ्तार पार्टी में शिरकत की। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने धर्मांतरण पर बात करते हुए कहा कि जब लोग समाज में विश्वास खो देते हैं तब मिशनरी उन स्थितियों का फायदा उठाती है। रविवार को मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा, हम अपनों को नहीं देखते, उनके पास जाकर बात नहीं करते, लेकिन हजारों मील दूर से कुछ मिशनरी वहाँ आती हैं, रहती हैं और फिर उनका धर्मांतरण करती है। भागवत ने कहा कि वे सदियों से यहाँ काम कर रहे हैं। समाज को उस छल को समझना चाहिए। हमें अपने विश्वास को मजबूत करना है।